पर देखो चार साल तक अगर वो वाला विश्वास जिससे परमेश्वर काम करता अगर नहीं दिया, अगर चार साल पहले ये विश्वास दे देते तो पहले भी परमेश्वर काम करता। इस ब्रदर का नाम सर्वजीत है और जे बीरबल गांव के रहने वाले हैं और जे ब्रदर की गवाही जे बता रहे के चार साल हो चुके थे कि इनको रात के समय नींद नहीं आती थी। जे बता रहे के पूरी रात जे बता रहे के जे अपनी आंखों को बंद करते थे पर इनको नींद नहीं आती थी और जे काफी परेशान थे। पर जे बता रहे के इन्होंने मेडिसिन भी खाई नींद के लिए पर इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने इस मेडिसिन भी छोड़ दी, उसके ऊपर अपना मन नहीं लगाया। और जे जब भी जे मीटिंग में आते थे संडे की तो जैसे ही जब बता रहे के प्रभु के दास दुखियों बीमारों के लिए प्रार्थना करते थे और जे पॉजिटिव विश्वास में बने रहे कि परमेश्वर जी आप मुझे इस प्रॉब्लम से आजाद कर चुके हो और जे विश्वास करते रहे, धन्यवाद देते रहे। और इन्होंने पर्सनल मीटिंग भी इन्होंने प्रभु के दास के साथ की थी और जे विश्वास करते रहे। और इस ब्रदर ने बताया कि जैसे इन्होंने 10 अक्टूबर की मीटिंग में फॉर्म के ऊपर अपनी प्रॉब्लम को लिखवाया और इनके लिए ले हैंड हुई, सबसे पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। बताया कि जी पूरी रात ऐसे इनको नींद नहीं आती थी और जैसे इनके लिए ले एंड हुई उसके बाद भी जो विश्वास करते रहे, धन्यवाद में बने रहे। और इनके मिसर ने बताया कि जैसे हमारी मीटिंग पर इन्होंने पर्सनल मीटिंग प्रभु के दास के साथ की और जैसे ही प्रभु के दास ने इनको टीच किया, अपनी टेस्टिमनियों के बारे में बताया और इनके मिसर ने विश्वास किया और उन्होंने बताया कि इन दिनों में उन्होंने परमेश्वर के साथ वैसे ही अपने मन को फिराया और प्रार्थना की, विश्वास किया कि परमेश्वर सच में आपने हमारे जीवन में बहुत सारे बड़े काम किए और जे भी काम आपके लिए कुछ भी नहीं है। और जैसे उन्होंने विश्वास किया, हर एक गवाही को रिसीव किया और जे धन्यवाद करते रहे। और आज बता रहे कि आज एक हफ्ता पूरा हो गया है कि जो इनको चार साल से नींद नहीं आ रही थी आज एक हफ्ते से बहुत अच्छी नींद आ रही है और परमेश्वर ने इस प्रॉब्लम से इनको पूरी तरह से आजाद कर दिया है। ओ, सुनो सुनो, जो बंदा चार साल से सोया नहीं उसको पूछो। अब इनसे माइक तो इनसे पूछते हैं कैसे लगता था, बताओ बताओ, सामने देखो सामने देखो। हाँ जी सर जी, वैसे तो मैनू नींद नहीं आती तो पर मेरे घर दे कहिंदे मैं ना ना कोई गल नहीं परमेश्वर करेगा, मैनू दुख नहीं तो तुसीं क्यों करदे जे। मैं परमेश्वर ते विश्वास करदा रहा, मैनू पता है कि मेरा परमेश्वर कर सकदा मेडिसिन। आप देखो कितना लंबा समय इन्होंने विश्वास किया। हाँ बोलो क्या है, ये छोटी बात नहीं कि अगर चार साल बंदा कोई सोए ना और ऐसे बस आंखें बंद कर बस ऐसे ही पड़ा रहे, क्योंकि नींद आना क्या है, बोले क्या है, जरूरी है कि नहीं जरूरी? हाँ हाँ जी, नींद नींद लेनी जरूरी है कि नहीं? अगर नींद नहीं आएगी किसी को तो क्या हो गया? अरे डॉक्टर को पूछो जाकर, वो इसको मुझे पता नहीं है शायद इसको, अगर जिस बंदे को नींद नहीं आती उसे कुछ कोई ऐसी कोई बीमारी का नाम होगा। क्या होगा? इस बीमारी का कोई नाम होगा जिन्हें नींद नहीं आती। डॉक्टर के पास जाओ तो वो बताएगा इसे ये वाली बीमारी है। और नींद ना आने से कारण आपको पता कितनी बीमारियां लोगों को लग जाती, इसे डॉक्टर के पास जाओ वो कहते हैं नींद लेना क्या है, बहुत जरूरी है। समझ आ रही है? अगर किसी को नींद नहीं आएगी तो डॉक्टर बोलेगा कि ये बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या हो जाएगा बंदे का दिमाग भी क्या हो सकता है। हाँ डिप्रेशन, डिप्रेशन समझते हैं ना, वो भी उसमें रहेगा और भी उसका दिमाग आगे पीछे कुछ कुछ भी हो सकता है, सोच के कारण कुछ भी है। पर इन्होंने अपनी सोच शरीर पर नहीं, इन्होंने अपनी सोच किस चीज पर लगा कर रखी, किस परमेश्वर पर, किस परमेश्वर पर चार साल तक अपनी सोच लगा कर रखी? जो काश ते धरती दा मालिक है। ऐसा नहीं है, अच्छा मन रहा इन्होंने मेरे साथ जब
आज से कुछ समय पहले जब इनकी बात हुई तो मन अच्छा था। ये नहीं कि जैसे कई लोग अपना मन खराब कर लेते ना, बोलो, कई लोगों का मन खराब कर लेते हैं। इन्होंने कोई मन नहीं खराब किया, ये कहते नहीं परमेश्वर करेगा मुझे विश्वास, क्योंकि ये इनके जीवन में परमेश्वर ने एक नहीं बहुत और बड़े बड़े काम किए। बोलो क्या, कई लोग जो शरीर में वो एक काम को भूल जाते हैं और दूसरे काम के लिए बुद्धि लगाते हैं, पर ये जानते थे दोनों का, इसकी पत्नी का और इसके पति का भी ये विश्वास था कि नहीं, अगर परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े आज तक हमारे जीवन में काम किए तो ये भी करेगा। क्या करेगा? ये भी करेगा। इसलिए ये उस विश्वास से खड़े रहे। क्या रहे? खड़े रहे। और आज देखो पूरी तरह से 4 साल, हाँ अरे मैं तो हैरान हो रहा हूं, 4 साल तक कोई बंदा सोए ना। बोलो क्या, मैं हैरान हो रहा हूं इस बात से, 4 साल निक गुजर गए ऐसे। सर जी वह कोई काम नहीं कर सकता सुबह, पर मैं फिर भी परमेश्वर सुबह उठदा धन्यवाद करदा, पर कोई थकावट नहीं हुंदी। देखो ये भी परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है। अगर कोई रात बंदा अपनी नींद नहीं लेगा तो ये अपना जो काम करते कोई थकावट नहीं, ये अनुग्रह है परमेश्वर का। काम ही और दा भाई, तन पता है सर। काम भी ये लकड़ी का काम करते हैं ना। बोलो क्या करते हैं? ये लकड़ी का काम करते, लकड़ी का, समझ आ रही है? तो जोर का काम है सारा दिन जोर जोर से, हाँ आरी से रंदे से क्या करना, कोई थकावट नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर विश्वास में रहे तो अनुग्रह भी रहा, अगर मन खराब करते आगे पीछे करते तो पता नहीं आज तक कितनी बीमारियों का शिकार हो जाना था। इन्होंने कितनी बीमारियों का शिकार हो जाना था, पता नहीं। फिर डॉक्टर के पास जाते वो कहते तुझे ये बीमारी है, ये कराओ, इसका ये इलाज है, इतने पैसे लगेंगे, वो करो। पर जो बुद्धि अपनी लगाता है ना वो और फंसता है, जो अपनी बुद्धि लगाता है फिर वो इंसान और फंसता है। पर इन्होंने अपनी बुद्धि नहीं लगाई, परमेश्वर की बात पर विश्वास रखा। और आज देखो आपके सामने है। मैंने कहा आज एक हफ्ता हो गया, पूरी तरह से अच्छी नींद आ रही है और पूरी तरह से टोटली फ्री है इस चीज से। आज आपकी तारीफ छोटी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा आज जीवित परमेश्वर की आज तारीफ छोटी नहीं। जोर से अपने हाथों को फड़ ले यीशु ने मेरी बाँह आप खुश नहीं हो तो फिर नाचो भाई, तुम भी नाच के दिखाओ लोगों को हाथ उठा लाकर। बाँह फड़ ले यीशु ने मेरी बाँह फड़ ले यीशु ने मेरी बाँह फड़ ले सुती उम्मीद जाग पई यीशु ने मेरी बाँह फड़ ले यीशु ने मेरी बाँह फड़ ले किसने फड़ ली बा? और जिसकी वो हाँ फड़ लेंदा फिर वो छड़दा, उसने कहा मैं अंत के दिनों तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या नहीं छोड़ूंगा? ये इनकी पत्नी है, हाँ इनको पता, देखो ये कई चीजों में इनका भी मन हो जाता था। पर जब मैंने, अब ये काम हुआ कैसे इनसे पूछते हैं, बताओ। हालेलुया सारे जैमसीदी और पापा ने और सिस्टर ने जैमसीदी मेरे वाले सारी टीम। हाँ। मेरा बहुत सारा विश्वास है खुदा ते, मैं मन तो परमेश्वर नु शुरू तो बड़ा प्यार किया। हाँ, हाँ। प्रेम कर दिया ही हैं ते जो भी मैं विश्वास दे नाल प्रार्थना कर दिया हर एक हुक्म दे विच रह के हर एक नियम दे नाम विच रह के ते उस परमेश्वर दे अगे मैं प्रार्थना की अपने पति वास्ते कि खुदा तू साडे जीवन च इन्ने इन्ने वड्डे काम किए आ ते सानू परमेश्वर इन्ने कम्मा नाल ब्लैस किया ते ए नींद ते तेरे अगे कुछ भी नहीं है खुदा, ये काम अधूरा नहीं होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। अं तेरी इस गवाही दे नाल ब्लैस होइए परमेश्वर, तेरे इस भवन दे विच खड़े होइए ते खुदा खास करके मैं जानती हाँ कि खुदा तू सब तो पहला जानता जिन्हें सानू रचिया वा ते सानू जीवन दिता ते सानू नींद भी ना भी ब्लैस तू किया वा
ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਆ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮੇਟ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਬੈਠੀ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਹੁਆ ਜਬ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ ਆਪਨੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਜੋ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਦੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੇ ਵਚਨ ਔਰ ਉਸੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪਾਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆਮੇਨ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਬ ਇਸਸੇ ਪਤਾ ਚਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾਮ ਜਬਕਿ ਇਨਕੇ ਜੀਵਨ ਮੇਂ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਮ ਕੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਹੈ ਕਿਆ ਹੈ ਇਨਕੀ ਟੈਸਟਾਮਨੀ ਇਨਕੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਹੈ ਜਬ ਇਸਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਸੇ ਯੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਝੇ ਜਾਣਤੀ ਥੀ ਪਰ ਜਬ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੋ ਫਿਰ ਯੇ ਆਪਣੇ ਉਧਰ ਸਸੁਰਾਲ ਮੇਂ ਕਿਆ ਹੋ ਗਈ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸਕੀ ਜਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤਬ ਯੇ ਮੁਝੇ ਫਿਰ ਸੇ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰੋਂ ਨੇ ਬੋਲਾ ਥਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਯੂਟਰਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਹਾਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਤੋਂ ਆ ਬੇਬੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸਕਾ ਇਤਨੇ ਮਹੀਨੇ ਕਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਇਤਨੇ ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਤਨਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਬਤਾਈ ਔਰ ਯੇ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਥੇ ਔਰ ਜਬ ਮੇਰੇ ਸੇ ਮਿਲੇ ਤੋ ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਐਸਾ ਤੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੋ ਐਸੇ ਕਹੀਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕਰ ਦਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਕੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋ ਕਿਸ ਮੇਂ ਹਾਂ ਮੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋ ਸਭ ਕੁਛ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਆਜ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਯੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਾਮ ਥਾ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਕਿਆ ਥਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹਾ ਥਾ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਤੇ ਇਤਨੇ ਮਹੀਨੇ ਕਾ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਓ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਬਤਾਏ ਤੋ ਯੇ ਕੈਸੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲ ਸਕਤਾ ਹੈ ਬੋਲੋ ਕਿਆ ਹੈ ਕੈਸੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲ ਸਕਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਔਰ ਵੀ ਹੈ ਮੁਝੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਅਗਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤੋ ਫਿਰ ਤੋ ਲੰਬਾ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਯੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਜ ਤੱਕ ਇਨਕੇ ਜੀਵਨ ਮੇਂ ਕਾਮ ਹੋਏ ਇਹਨੇ ਉਨ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕੋ ਯਾਦ ਰੱਖਾ ਪਰ ਦੇਖੋ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਸਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਅਗਰ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਯੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਇਸੇ ਇਸੇ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਸੇ ਹਮੇ ਸਮਝ ਆਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇ ਉਸ ਮਨ ਸੇ ਵੋ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਣਾ ਪੜੇਗਾ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਬ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮਨ ਵੋ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਤੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਛੂਆ ਨਹੀਂ ਤਬ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੈਸੇ ਦਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸੀ ਦਿਨ ਹੀ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨੀਂਦ ਆਈ ਪੁੱਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਔਰ ਆਜ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰ ਪਰਵਾਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਖਬਰ ਹਰ ਪਲ ਦੀ ਨਾ ਕਰ ਪਰਵਾਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਖਬਰ ਹਰ ਪਲ ਦੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਫਿਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦੀ ਨਾ ਕਰ ਪਰਵਾਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਖਬਰ ਹਰ ਪਲ ਦੀ ਨਾ ਕਰ ਪਰਵਾਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਖਬਰ ਹਰ ਪਲ ਦੀ ਆਮੇਨ ਅਗਰ ਆਪ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ परेशानी या हालात में हो या दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो तो ये हमारे चर्च का एड्रेस है और हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हो आमेन